आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 40 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जो परमाणु परीक्षण की थी हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। अब हमको लगता है हम तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको।